हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभूतिज डेली एप्रन। आज मैं आपके लिए चने की दाल फ्राई रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन ये दाल फ्राई ऐसी है जिसमें हमें प्याज और लहसुन का तड़का नहीं देना है। जी हाँ, ये ऐसी दाल फ्राई है जिसे आप पूजा में भोग लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल जो बंगाली दाल होती है ना, बंगाली चना दाल, वही आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही टेस्टी इंग्रेडिएंट्स इसके हैं और बहुत ही यमी इसका टेस्ट आता है। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने किचन की ओर, जहां हम बनाएंगे बंगाली चना दाल फ्राई, जो आप बिल्कुल किसी भी पूजा में, गणपति है तो गणपति में भी आप इसे भोग में लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे कमेंट्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसका फीडबैक भी मुझे दें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में और बनाते हैं बंगाली चना दाल फ्राई। बंगाली छोला दाल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चना दाल की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने 2 कप दाल लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मसाले में हमें चाहिए हरी मिर्च, चॉप टोमेटो, ज़ीरा, रेड चिली पाउडर, हींग, थोड़ी सी ये साबुत लाल मिर्ची, तेज़पत्ता, और हमें नारियल ऐसे क्यूब्स में कटा हुआ चाहिए और थोड़ा सा नारियल मैंने ग्रेटेड रखा है। मैंने कुकर में दाल लिया है, जितना मैंने दाल लिया है उससे मुझे 2 गुना पानी मिलाना है। इसमें 1 चम्मच के लगभग हमें इसमें हल्दी डालनी है, 1/2 टीस्पून के लगभग काली मिर्च पाउडर कुटी हुई डालना है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब मैंने कुकर का लीड लगा दिया है और इसे हम अभी 10 मिनट के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। ये देखिए, मैंने कुकर चढ़ा दिया है, अभी हम 1 सीटी का वेट करेंगे, उसके बाद गैस को सिम कर देंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए। हो गया है, अभी हम मुझे तड़का लगाना है तो मैंने एक पैन चढ़ाया है। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम घी डालेंगे 2-3 चम्मच। सबसे पहले मैंने हींग डाला है, उसके बाद ज़ीरा, तेज़पत्ता, रेड चिली तोड़ के, 2-3 छोटी इलायची, इसको हल्के हल्के चलाएं। आँच हमारा सेम ही होना चाहिए। ग्रीन चिली, इसमें बहुत लोग ग्रेटेड जिंजर भी ऐड करते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है। ये हमारा चॉप टोमेटो, टमाटर को हमें थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है। ये देखिए, दाल हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, दाल हमारा बिल्कुल गल गया है। मथनी से थोड़ा सा मिक्स कर ले, क्योंकि जो दाल हमारी खड़ी खड़ी है वो मिक्स हो जाए प्रॉपर। अब हम चॉप्ड अपना कोकोनट डालेंगे इसमें, अभी ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करें, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ही नमक डालें। लास्ट में रेड चिली पाउडर, इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा तड़का अब रेडी हो गया है, इसमें अब हम अपनी बॉयल्ड दाल को मिलाएंगे। इसे 5 मिनट के लिए हमें बॉईल करना है, क्योंकि थोड़ा सा पानी दिख रहा है, इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। ये देखिए, दाल हमारी अब बिल्कुल गाढ़ी होती जा रही है। अब इसमें बस हमें 1 टीस्पून के लगभग मैंने चीनी डाला है। अगर आपको मीठा टेस्ट नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, बट अगर चीनी आप डालेंगे तो इसका ओरिजिनल टेस्ट आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, गाढ़ी और बिल्कुल यमी। बस इसे आप सर्व कीजिए, राइस के साथ खाइए
आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए आपका दाल बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए, बस इसे आप बनाइए खाइए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी ये बंगाली दाल नारियल दाल की रेसिपी कैसी लगी। फिर से मिलते हैं तब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।